नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोक पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमक के डिब्बे में डाल दो, ये एक चीज फूटी किस्मत चमका देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नमक के डिब्बे में डाल दो, ये एक चीज फूटी किस्मत चमका देगा। लेकिन अगर आपने अलग से नमक का डब्बा नहीं रखा है तो आप आज ही अपने किचन में एक साफ डिब्बा लाकर रखें, जिसमें आप साफ नमक भर दें और उसी में आप गुरुजी द्वारा बताई गई वो एक चीज डाल दें तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। क्या आप अपने जीवन की गरीबी और दुख दर्द से परेशान हैं? आपके घर में आए दिन कलह और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपके लाख कोशिश के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आपको इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है अगर आप अपने किचन में रखे नमक के डिब्बे पे ध्यान दें। क्या आपने अपने किचन में नमक का एक अलग डिब्बा रखा है जिसमें हमेशा साफ नमक भरा रहता है? अगर हाँ तो फिर आपके लिए काफी आसानी होगी गुरुजी का बताया उपाय करने में। कौन सी एक चीज नमक के डिब्बे में डालनी है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि हम दिल से चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द और गरीबी सदा के लिए मिट जाए, आपके घर में खुशहाली का माहौल हो, कलह और लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती रहे ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए अगर आप नमक के उपाय सही विधि से और सही मुहूर्त में कर लेते हैं तो आपके जीवन की ग्रह दशा सुधर जाएगी। आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। नमक से किए गए उपाय इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनके प्रभाव से आपके घर का कोना कोना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक से किए गए उपायों के जरिए आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आप और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता अवश्य मिलेगी। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही आप कभी भी नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें। नमक हमेशा कांच की बरनी या शीशी में रखें। नमक ना उधर लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखने से लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आपके घर में दुख दरिद्रता या दुखों का बसेरा नहीं होगा। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक केवल स्वाद या वास्तु दोष दूर करने की क्षमता नहीं रखना, ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वेद और पुराणों में तो साफ शब्दों में लिखा है कि जिस घर में अगर नमक का डिब्बा खाली रहता है तो वहां बरकत नहीं होती, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप अपने घर का नमक का डिब्बा कभी खाली न रहने दें। खत्म होने से पहले नमक का दूसरा पैकेट मंगाकर खाली डब्बे में भर दें। चलिए अब नमक से किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में अगर आर्थिक कष्ट हो रहा है, आपके हाथों धन ज्यादा खर्च हो रहा है, यानी फिजूल खर्ची बढ़ने लगी है, तो आप ये उपाय करके देखें तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ये उपाय अगर आपने सही मुहूर्त और सही तरीके से कर लिया तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक फर्क जरूर दिखाई देगा और आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कांच की एक गिलास की जरूरत पड़ेगी। कांच की साफ गिलास में गंगा जल मिला हुआ साफ पानी भर लें और उसमें एक चम्मच नमक मिलाकर घर के पूरब या पश्चिम दिशा में रख दें। कांच की उस गिलास को आप ऊपर से लाल कपड़े से बांधकर उसे किसी टेबल के ऊपर रखकर वहीं छोड़ दें। समय समय पर उस पानी को चेक करते रहें। कुछ दिनों के बाद जब आपको लगे कि गिलास का पानी सूख गया है तो आप गिलास को फिर से अच्छे से साफ करके उसमें दोबारा से गंगा जल मिला हुआ साफ पानी भरकर उसमें नमक मिलाकर रख दें। ऐसा आप लगातार करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा से धन का आना शुरू हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपके घर में अगर किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप छुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उसे व्यक्ति के सिर पर 7 बार वार लें।
फिर इस नमक को किचन के सिंक में ले जाकर नल खोलकर बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से नजर दोष से आराम मिल जाएगा। ये अजमाया हुआ उपाय 100% कारगर साबित होता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के हर कोने में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, घर में धन दौलत आए, तो आप गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में रोज पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी समुद्री नमक डालकर पोछा लगाए तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। गुरुवार के दिन आप भूलकर भी नमक मिले पानी से पोछा ना लगाएं, क्योंकि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने से घर की बरकत रुक जाती है, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, घर की तरक्की खत्म हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि नमक के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप अपने किचन में कांच के बर्तन या जार में रखे नमक में 4 से 5 लौंग डाल दें। ध्यान रहे, लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं। इस उपाय को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनने लगी है, धन का आगमन शुरू हो गया है, घर में बरकत भी होगी और साथ ही आपके नमक में एक सुगंध बनी रहेगी जो घर में पॉजिटिव एनर्जी को खींचेगी। लौंग को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपके नमक में रखे लौंग से आपका भाग्य बदलने में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहेगा। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। आपके घर में कई बार ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिन्हें चाह कर भी आप दूर नहीं कर पाते, तो ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में साबुत यानी खड़ा नमक लेकर कुछ देर रखें, फिर उसे वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाएंगे और आपके मन से चिंता भय परेशानी सब दूर हो जाएगी। गुरु जी कहते हैं कि हम दिल से चाहते हैं कि आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख दर्द और गरीबी सदा के लिए मिट जाए, आपके घर में खुशहाली का माहौल हो, कलह और लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती रहे ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए अगर आप नमक के उपाय सही विधि से और सही मुहूर्त में कर लेते हैं तो आपके जीवन की ग्रह दशा सुधर जाएगी, आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। नमक से किए गए उपाय इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनके प्रभाव से आपके घर का कोना कोना पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा और नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी। तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक से किए गए उपायों के जरिए आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। आप और आपके पूरे परिवार के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता अवश्य मिलेगी। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। साथ ही आप कभी भी नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में ना रखें, नमक हमेशा कांच की बरनी या शीशी में रखें। नमक ना उधर लेना चाहिए और ना किसी को देना चाहिए। इन बातों का ख्याल रखने से लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आपके घर में दुख दरिद्रता या दुखों का बसेरा नहीं होगा, आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक केवल स्वाद या वास्तु दोष दूर करने की क्षमता नहीं रखना, ये व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। वेद और पुराणों में तो साफ शब्दों में लिखा है कि जिस घर में अगर नमक का डिब्बा खाली रहता है तो वहां बरकत नहीं होती, उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए आप अपने घर का नमक का डिब्बा कभी खाली न रहने दें। खत्म होने से पहले नमक का दूसरा पैकेट मंगाकर खाली डब्बे में भर दें। चलिए अब नमक से किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में अगर आर्थिक कष्ट हो रहा है, आपके हाथों धन ज्यादा खर्च हो रहा है यानी फिजूल खर्ची बढ़ने लगी है, तो आप ये उपाय करके देखें तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। ये उपाय अगर आपने सही मुहूर्त और सही तरीके से कर लिया तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक फर्क जरूर दिखाई देगा और आपके घर में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको कांच की एक गिलास की जरूरत पड़ेगी। कांच की साफ गिलास में गंगा जल मिला हुआ साफ पानी भर लें और उसमें 1 चम्मच नमक मिलाकर घर के पूरब या पश्चिम दिशा में रख दें। कांच की उस ग्लास को आप ऊपर से लाल कपड़े से बांधकर उसे किसी टेबल के ऊपर रखकर वहीं छोड़ दें। समय समय पर उस पानी को चेक करते रहें। कुछ दिनों के बाद जब आपको लगे कि ग्लास का पानी सूख गया है
तो आप ग्लास को फिर से अच्छे से साफ करके उसमें दोबारा से गंगा जल मिला हुआ साफ पानी भरकर उसमें नमक मिलाकर रख दें। ऐसा आप लगातार करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा से धन का आना शुरू हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपके घर में अगर किसी बच्चे या बड़े को नजर लग गई हो तो आप चुटकी भर नमक अपनी मुट्ठी में लेकर उसे व्यक्ति के सिर पर 7 बार वार लें। फिर इस नमक को किचन के सिंक में ले जाकर नल खोलकर बहते पानी में बहा दें। ऐसा करने से नजर दोष से आराम मिल जाएगा। ये अजमाया हुआ उपाय 100% कारगर साबित होता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर के हर कोने में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो, घर में धन दौलत आए, तो आप गुरुवार का दिन छोड़कर बाकी दिनों में रोज पोछा लगाते समय पानी में एक चुटकी समुद्री नमक डालकर पोछा लगाए तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। गुरुवार के दिन आप भूल कर भी नमक मिले पानी से पोछा ना लगाएं, क्योंकि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने से घर की बरकत रुक जाती है, घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, घर की तरक्की खत्म हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि नमक के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप अपने किचन में कांच के बर्तन या जार में रखे नमक में 4 से 5 लौंग डाल दें। ध्यान रहे, लौंग साबुत होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं। इस उपाय को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बनने लगी है, धन का आगमन शुरू हो गया है, घर में बरकत भी होगी और साथ ही आपके नमक में एक सुगंध बनी रहेगी जो घर में पॉजिटिव एनर्जी को खींचेगी। लौंग को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आपके नमक में रखे लौंग से आपका भाग्य बदलने में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहेगा। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगी। आपके घर में कई बार ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिन्हें चाह कर भी आप दूर नहीं कर पाते, तो ऐसे वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप अपने दोनों हाथों में साबुत यानी खड़ा नमक लेकर कुछ देर रखें, फिर उसे वॉश बेसिन में डालकर पानी से बहा दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी तरह के वास्तु दोष मिट जाएंगे और आपके मन से चिंता भय परेशानी सब दूर हो जाएगी। नमक के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से आपकी किस्मत बदल जाएगी? ये उपाय अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।